नवरात्रि पूजन में 90% लोग करते हैं ये पांच गलतियां, इस नवरात्रि आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कल से शारदीय नवरात्रि का महापर्व प्रारंभ होने जा रहा है और सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति माँ जगदम्बा के भक्त यथा ज्ञान यथा उपलब्ध सामग्री द्वारा माँ जगदम्बा का पूजन करते हैं। किंतु जरा सोच कर देखिए, ऐसा कोई व्यक्ति होगा क्या जो ये चाहे कि मैं पूजा तो करूं किंतु उसका फल मुझे कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से प्राप्त ना हो पाए। तो आप सभी लोगों का जवाब यही होगा कि नहीं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। कितना अच्छा हो कि आप अपनी श्रद्धा के साथ में शास्त्र प्रमाणित स्तुतियों को भी जोड़ दें और इन स्तुतियों के माध्यम से परिपूर्णता से महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्म शक्ति का राज राजेश्वरी जगदम्बा का मिले आपको आशीर्वाद। यही मेरा प्रयास है। इस कार्यक्रम को यदि आप पूरा देखते हैं, वो कौन सी पांच गलतियां हैं जिसे नवरात्रि महापर्व में कभी भी किसी को नहीं करना चाहिए, यही मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सर्वप्रथम स्थिति में आप जान लीजिए, जो लोग घर में जगदम्बा की घट स्थापना करते हैं, घट स्थापना के समय में अक्सर देखा जाता है कि व्यक्ति मिट्टी के सिकोरे में मिट्टी की चौकी लगाकर जो मिट्टी का कलश उस पर रखते हैं, उस पर खड़ा श्रीफल रख देते हैं। ये शास्त्र प्रमाणित स्थिति में बिल्कुल वर्जित बताया गया है। क्यों? क्योंकि जो श्रीफल है ये ब्रह्म पुरुष है, इसका पुरुष आकार है। जब भी आप श्रीफल को खोलते हैं, आप देखते हैं इसमें दो नेत्र और एक मुख जैसी स्थिति की आकृति दिखती है। ये दृढ़ पुरुष की संज्ञा में आते हैं। ऐसी स्थिति में इनका मुंह कभी भी ऊपर की तरफ नहीं करना होता, सदैव आपकी तरफ। जैसे आप यहां, मैं यहां बैठा हूं, मेरे सामने यदि मिट्टी का कलश रखा है तो श्रीफल को खड़ा नहीं रखना है। जो पूंछ वाला एरिया होता है वो पीछे की तरफ होना चाहिए और श्रीफल का जो मुख वाला अर्थात जो बड़ा वाला एरिया होता है ये आपकी तरफ होना चाहिए। पहली स्थिति में सदैव ध्यान रखिएगा। दक्षिण प्रवृत्ति के स्थिति में लोग बाग दक्षिण आवृत्ति की स्थिति के अंदर उसे खड़ा रख देते हैं, किंतु ये शास्त्र प्रमाणित स्थिति के अंदर बिल्कुल वर्जित है। तो ऐसी स्थिति में कल जो आप घट स्थापना कर रहे हैं, यहां पर विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी स्थिति जिसे शास्त्र प्रमाणित अवस्था में बताया गया है और हमारे पूर्वज इसे फॉलो भी करते आ रहे थे, अब कुछ समय से हम इसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो अवस्था क्या है? तो हम देखते हैं बड़ी सहज और सरल स्थितियों को हम अपनाना प्रारंभ कर चुके हैं। आप दुर्गा का पूजन कर रहे हैं, नवरात्रि में पूर्ण श्रद्धा भाव से आपको ये प्रयोजन है, किंतु आपने इस बारे में सोचा नहीं होगा। कभी भी नवरात्रि में बाहर से लाया हुआ प्रसाद आपको जगदम्बा को अर्पित नहीं करना चाहिए। उसका सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो ये जगदम्बा है, इसकी पूजन में जितनी सहजता और शास्त्र प्रमाणित स्थिति को आप जोड़ते हैं ना, उतना ही श्रेष्ठ कारक लाभ आपको प्राप्त होता है। बाहर जो व्यक्ति प्रसाद बना रहा है, आप नहीं जानते कौन है, किस प्रकार से बन रहा है, कितने शुद्धिकरण से बन रहा है, इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आप अपने घर में स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर अपना चौका अच्छे से साफ कर शुद्धिकरण में जो भी भोजन बना रहे हैं, माता को 56 भोग नहीं चाहिए, शुद्धिकरण से जो आप भोजन बना रहे हैं, घर का जो भोजन बना रहे हैं उसे ही आप माता के चरणों में अर्पित कर लीजिए। रोजाना थोड़ा सा हलवा बना लीजिए, थोड़ी खीर बना लीजिए, थोड़ा सा आपने कुछ और कुछ नहीं तो आटा सेक कर उसमें घी मिलाकर पंजीरी का प्रसाद लगा लीजिए। फल शुद्धिकरण से आप उसको, फल होते हैं उनको शुद्ध कर अगर आप धो लेते हैं तो वो शुद्धिकरण की संज्ञा में माने जाते हैं, उनका प्रसाद लगा दीजिए। मेरा भावार्थ यही है कि आप घर में शुद्धिकरण से भोजन बनाकर और श्रद्धा भाव से माँ लक्ष्मी महाकाली महासरस्वती के चरणों में अर्पित करेंगे, ये बिल्कुल शुद्धिकरण का एक शास्त्र प्रमाणित नियम है जिसे हमारे पूर्वज करते थे। हम कुछ समय से
बहुत शॉर्टकट वाली स्थिति के अंदर बाहर से प्रसाद लाओ, माँ जगदम्बा के चरणों में अर्पित कर दो, ये नहीं करना है। इस नवरात्रि आप अपने घर में प्रसाद लगाकर माँ जगदम्बा को अर्पित कीजिए, देखिए आपका मन ही कितना प्रसन्न होगा कि मेरे हाथों से मैंने प्रसाद बनाया और वो मैं माँ जगदम्बा को भोजन करा रहा हूँ या करा रही हूँ। एक अलग सी ही आंतरिक शुद्धिकरण और प्रसन्नता का भाव आपके लिए देखने को मिलेगा। तीसरी स्थिति, जिसे शास्त्र प्रमाणित स्थिति में बिल्कुल वर्जित संज्ञा दी गई है, जानकारी ना होने के चलते हम घी का दीपक जलाते हैं, ये तो बड़ी शुद्धिकरण है, किंतु इसी के साथ में बहुत से लोग नवरात्रि महापर्व में अगरबत्ती जला देते हैं जिसमें बांस की डंडी होती है, ये प्रयोजन मित्रों आपको नहीं करना चाहिए। उसका सबसे शास्त्र प्रमाणित स्थिति का योग है कि बांस को जलाया कब जाता है हम सभी लोग जानते हैं। बांस को जलाना शास्त्र प्रमाणित स्थिति में बिल्कुल वर्जित है, विशेष रूप से पूजा पद्धति में। आप घी का दीपक जलाइए, इसी के साथ में जो धूप बत्ती आती है स्टिक आती है जिसमें बांस ना हो। बांस सदैव किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसकी कपाल क्रिया करने के समय में जलाया जाता है, और यहाँ हम जगदम्बा को प्रसन्न कर रहे हैं। मैं किसी धर्म जाति पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, किंतु ये जो अगरबत्ती की स्थिति का नियम हुआ है ये कहीं ना कहीं मुस्लिम पद्धति की स्थिति को दर्शाता है। वैदिक पद्धति में बांस को जलाना बिल्कुल निषेध्य बताया गया है, तो इस स्थिति का ध्यान रखिए। अगरबत्ती को छोड़कर आप धूप बत्ती या स्टिक वाली जो बत्ती आती है वो जलाएं, अगर नहीं है तो घी का दीपक जलाइए। ये बहुत शास्त्र प्रमाणित स्थिति के योग में जगदम्बा के पूजन में आपको शास्त्र प्रमाण जोड़ता हुआ पाया जाता है। इसी के साथ में आपको क्या करना चाहिए, तो प्रयास कीजिए स्टील के बर्तनों को आप जगदम्बा की पूजन में सम्मिलित ना करें। अब बहुत से लोगों के घर में तो कांसी, तांबा, पीतल, चांदी इस प्रकार की स्थिति के बर्तन होते हैं, किंतु कई लोगों के घर में नहीं भी होते, ऐसे में क्या करना चाहिए, तो बहुत साधारण सी गतिविधि है। अगर आपके घर में पीतल की थाली नहीं है, तांबे की थाली नहीं है, चांदी की थाली नहीं है, तो आप जो पत्तों से बनी पत्तल होती है उसके अंदर अपनी पूजन सामग्री रख लीजिए। तांबे का लोटा सभी के लोगों के घर में मिल जाता है, नहीं है तो एक नया ले लीजिए, उससे पूजन कीजिए, और जो आपके पत्ते की जो पत्तल होती है वो और दोने, जो पत्तों के ही पत्ते के दोने होते हैं, उनमें अपनी पूजन सामग्री रखकर उससे माँ जगदम्बा की पूजन कर लीजिए, किंतु स्टील के बर्तनों को अवॉइड करने का प्रयास कीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें राहु और शनि दोनों के कारकत्व की स्थिति होती है और इसे पूजा के अंदर वर्जित संज्ञा दी गई है। और अंतिम राशि की स्थिति में आपके लिए क्या अवस्था बननी चाहिए, तो चाहे आप नवरात्रि में घट स्थापना कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कई लोगों के मन में यह संशय आ जाता है कि जब हम घट स्थापना कर ही नहीं रहे हैं तो नवरात्रि में श्रद्धा भाव है, माँ जगदम्बा की पूजन की स्थिति जो हमसे बन पड़ रही है वो कर रहे हैं, किंतु मैं आपको कहना चाहूंगा अगर आप घट स्थापना माँ जगदम्बा की स्थापना कर रहे हैं तो आपको ये प्रयोजन करना ही करना चाहिए। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो ये वो 9 दिवस हैं जिसमें आप महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का परिपूर्णता से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, और ऐसी स्थिति में घर के सभी सदस्य सुबह और शाम दोनों समय माँ जगदम्बा की आरती कीजिए, अपने मनोरथ माँ जगदम्बा के चरणों में अर्पित कीजिए। ये बहुत बड़ा उत्सव होता है जहाँ माँ जगदम्बा दोनों हाथों से देती है अपने भक्तों को आशीर्वाद। दोनों समय में माँ जगदम्बा की आरती कीजिए, अपने मनोरथ माँ जगदम्बा के चरणों में अर्पित कीजिए, और इन 5 बातों का ध्यान रखते हुए यदि माँ जगदम्बा की आप पूजन करते हैं ना, तो आप लिख कर रख लीजिए, जगदम्बा का मिलकर रहेगा आपको आशीर्वाद। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।